मॉर्निंग गाइस, और आज 9 है डेट, और आज बाबू का 6 मंथ बर्थडे है। तो आज हम लोग बाहर जा रहे हैं बाबू को लेके, वहीं से केक कट करेंगे। और बाबू 6 महीने का हो गया, तो हम लोगों ने सोचा चलो थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लेते हैं उसका हाफ ईयरली बर्थडे। तो फिर चलो चलते हैं। मैं हो गई रेडी, बाबू भी हो गया रेडी, और वो खेल रहा है उधर। मैं आपको बाबू को बाद में दिखाऊंगी। चलो फिर चलते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, 6:30 हो गया है। तो चलो फिर बाद में मिलते हैं, बाय। बैठो अपने स्टॉलर में बैठो, लो इसकी हैंकी है। हाय गाइस, और अभी मैं आ चुकी हूँ मंदिर, मैंने आप लोगों को दिखाया ही। और बाबू आगे गया है पापा के साथ, मैंने सोचा मैं थोड़ी सी बात कर लूँ आप लोगों से। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। देखिए आप लोग कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है यहाँ पे। अच्छा, ये कार। फाइनली मैं पहुँच गई हूँ मंदिर, और मैं आप लोग को भी मंदिर दिखाती हूँ। काफ़ी सुंदर मंदिर है, डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छी हो रखी है। चलिए मैं दिखाती हूँ। और ये आगे बाबू जा रहा है पापा के साथ में बैठ के स्टॉलर में। बेटा बहुत सुंदर मंदिर है, काफ़ी अच्छा मंदिर, बहुत क्लीन है यहाँ पे। आप लोग देखिए कितना ज़्यादा क्लीन हो रखा है। यहाँ मोबाइल अलाउ, हम लोगों ने दर्शन कर लिया है, काफ़ी अच्छा मंदिर है। और ये मैं यहाँ पे अपना घर बना रही हूँ। यहाँ पे माँ, यहाँ पे सभी मतलब अपने घर के लिए अर्जी दे रहे थे और ईंटों से अपना घर बना रहे थे। तो मैंने भी सोचा चलो मैं अपना घर बना देती हूँ, कभी फ्यूचर में हमारा पर्सनल घर बनेगा। तो मैंने उसी के नाम पे अपनी अर्जी दे दी, और मैंने भी अपना घर बना लिया। और मैंने देखिए कैसा घर बनाया है, और पापा रिकॉर्ड कर रहे थे, मैं बना रही थी घर। तो चलो उसके आगे फिर मैं दिखाती हूँ मैंने आगे क्या किया, आप लोग देख लीजिए मेरा घर। आप लोग ये डेकोरेशन देखिए कितनी सुंदर लग रही है, बर्ड्स काफ़ी सुंदर लग रही हैं, इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। काफ़ी अच्छा था, फ्लावर्स भी काफ़ी सुंदर लग रही है। हाय फ्रेंड्स, और बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत सुंदर है, और यहाँ पे काफ़ी शोर है, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना रही हूँ। और ये देखिए मेरे पीछे काफ़ी अच्छा डेकोरेशन भी हो रखा है मंदिर में। तो चलो मैं बाबू को स्टॉलर ले आती हूँ, उसको भी केक भी कट कराना है। हम लोग केक साथ में लेके आए हैं बाबू का। और तो चलो मैं जा रही हूँ, फिर मिलते हैं। अभी केक कट कराने के टाइम आप लोग को दिखाऊंगी कि मैंने कैसा केक लिया है बाबू के लिए, काफ़ी सुंदर क्यूट सा केक बनवाया है।
और यहाँ पे एक एरोप्लेन खड़ा हुआ था और एक ट्रेन खड़ी हुई थी, तो मैंने फिर वीडियो बना लिया आप लोग के लिए, देखिए इधर। और हम लोगों ने काफ़ी पूरा मंदिर लगभग घूम लिया है और अभी हम जा रहे हैं घर। अभी लोगों का केक भी कट करना है। और अभी यहाँ पे हो रही है आरती, हम लोग आरती में आरती में खड़े हो गए हैं, हम आरती करेंगे इसके बाद आगे जाएंगे। देखने लगा हैप्पी बर्थडे टू यू। ले लीजिए आपको मेरा 6 मंथ का बर्थडे है। क्या हो गया बाबू का केक कट हो गया है और अभी हम लोग जा रहे हैं क्योंकि बाबू बहुत परेशान कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, और अभी मैं रास्ते में हूँ, मैं अभी थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगी। 10-15 मिनट का रास्ता बचा हुआ है और बाबू पूरे टाइम गाड़ी में मस्ती कर रहा मेरे ऊपर, ऐसे इधर उधर लटक रहा है, कई बार तो उसका सर भी लड़ चुका है शीशे में। और लेकिन इसको ज़रा सा भी नींद नहीं आ रही है, इस टाइम घर पर होता तो सो जाता है। और यहाँ पर देखिए कैसे कितना ज़्यादा खुश है। और हम लोग पहुँच गए हैं घर। अब मैं अपनी वीडियो का यहीं से करूँगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर, बाय।